दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्लान की जो बेहद ही छोटा है, 15x20। जी हाँ दोस्तों, 300 स्क्वायर फीट में मैंने मकान डिजाइन किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो फ्रंट पर स्क्रीन को। और इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, प्रॉपर तरीके से सारी व्यवस्था है पूरा घर में। इस घर में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपका रूम भी होगा, स्टेयर्स भी होगी, लेटरिन बाथरूम, किचन, सारी चीज़ें हैं, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये मॉडल बहुत ही छोटा है, क्योंकि 15x20 की रूम होती है ना कि मकान। आप देख सकते हो बेहतरीन से डिजाइन भी यहाँ पर दिया है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश जरूर करना चाहूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, इससे लाइक बटन पर क्लिक करके, और ये लाल कलर का बटन दिखता है सब्सक्राइब लिखा रहता है, इस पर क्लिक करें और इस घंटी के निशान पर क्लिक कर लें। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो आप तक लाऊंगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान से मल्टीपल्स टाइप के वीडियोज वॉच कर सकते हैं। तो चलो पूरा मॉडल डिस्कस कर लेते हैं, हमेशा के तरीके से हम इसको ट्रांसपेरेंट आपको करके दिखा देते हैं, क्योंकि मॉडल जैसे ट्रांसपेरेंट करूँगा तो ये मॉडल आपको और बेहतरीन देखिएगा ट्रांसपेरेंसी में, ये देखिएगा। और जैसे मॉडल में ट्रांसपेरेंट करता हूँ, यहाँ पर सारी दीवारें हाइड हो जाती हैं, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मॉडल दिखता है। तो ये मॉडल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक। और जैसे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को रिमूव करते हैं, फिर से आ जाता है ओरिजिनल पोजीशन पर, और अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट से बेहतरीन सा लुक दिख रहा होगा, सामने से आपका ऐसा लुक है। और हम बात करें टॉप व्यू, मतलब कि ऊपर से आप ऐसा देख सकते हैं, और साइड से ये मॉडल आप ऐसा देख सकते हैं। 3 साइड क्लोज्ड घर है दोस्तों ये। और अब आपको हम ले चलते इसके साथ पहले ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से ये लुक आपको ऐसा दिखेगा, और इसका मेन डोर ये है। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे एंट्री करते सबसे पहले आपको स्टेयर्स मिल जाती है, ब्लैक कलर की स्टेयर से ऊपर जाने के लिए। स्टेयर्स के नीचे और थोड़ा साइड में आपका लेटरिन बाथरूम कंबाइंड दिया है, और फ्रंट में सबसे सामने आपका ये किचन दिख रहा होगा, ये आप देख पा रहे हो किचन एरिया, और ये आपके एक बेडरूम है, इसका गेट मैंने यहाँ से दिया है। तो ये मॉडल है। और अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर लगभग आपका ये मैंने जो आगे की दीवार है थोड़ी सी छोटी रखी वेंटिलेशन के प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि अगर घर आपका पूरा कर देंगे पैक हो जाएगा, आपका वेंटिलेशन का बहुत ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग वाली फ्रंट वाली दीवार थोड़ी सी छोटी बनाई जिसमें आपका हवा पास होता रहे। तो ये हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो सेम टू सेम फर्स्ट फ्लोर भी है, बस बालकनी मैंने 2 से 2.5 फीट की आगे बना दी है, और सारी चीज़ें वही, सिर्फ यहाँ पर मैंने लेटरिन बाथरूम हटा दिया है। आपका किचन वही है, आपका रूम वही है, अगर आप चाहें तो किचन भी हटा सकते हैं, आपका बेहतरीन सा ये रूम भी निकल सकता है, बड़ा सा रूम हो जाएगा दोस्तों। और आपसे एक गुजारिश और करूंगा, अगर आप इस मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जरूर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के हाउस प्लान मिल जाएंगे, जिसका आप PDF बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो जी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वेबसाइट खुल रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा, तब तक इस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मॉडल हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर। अब लास्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ स्टेयर्स जो थी उसको ढक दिया है, और ये मॉडल पूरा आपका रेडी हो जाता है। तो कैसा लगा 15x20 का मॉडल मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर आपका कोई रिक्वायर्ड मॉडल है तो मुझे कमेंट करें कि सर मुझे मॉडल चाहिए, मैं आपका नक्शा ज़रूर बनाऊंगा। और देखिएगा मेरी वेबसाइट खुल गई, जैसा कि मॉडल पड़ा है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल्स मॉडल हैं, आप इसको कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।